अंकिता भंडारी के पिता ने आरोप लगाया कि एसआईटी द्वारा कोर्ट में दाखिल की गई चार्जशीट की फोटोकॉपी नहीं दी जा रही है। उन्होंने कहा कि जानबूझकर चार्जशीट की फोटोकॉपी देने में टालम टोल की जा रही है। वहीं उन्होंने सरकारी वकील अमित सजवाड़ को आड़े हाथों लेते हुए उनके कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। कहा कि वह शासकीय वकील के रूप में कार्य नहीं कर रहे हैं। पौड़ी से भगवान सिंह की रिपोर्ट। अंकिता भंडारी केस में जो एसआईटी ने चार्जशीट पिछले महीने 18-19 दिसंबर को जमा की थी और अभी तक कोर्ट कोर्ट द्वारा चार्जशीट मुझे नहीं दी गई है और जानबूझ के कह रहे हैं कि कभी बोल रहे हैं कि अभी टाइम नहीं है, कल मिल जाएगी, कल आज कल ऐसे ही करके बहाना बना रहे हैं और अभी तक मुझे चार्जशीट नहीं मिल गया। और मैं विशेषकर ये कहना चाहता हूँ जो विनोद आर्य ने जो अपना सरकारी वकील फिरवी के लिए रखा है अमित सजवाण, तो अजवा सजवाण एक सरकारी वकील है क्या। मैं अमित सजवाण से कहना चाहता हूँ कि आप सरकारी तनख्वाह से आपका पेट नहीं भरता है और मैं ये अमित सजवाण से कहना चाहता हूँ कि आपकी माँ बहनी नहीं है, आपकी लड़की नहीं है कि आपने उधर से पैसे खा के इधर से पैसा खा के और कोर्ट आप लड़ रहे हो आरोपों का।